उसका झांकी झलक आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज का दिन हमारे विकासखंड और हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही प्रवेश उत्सव को मनाकर हम जो नव प्रवेशित बच्चे हैं उनका उत्साह बढ़ाते हैं और उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रेरित करते हैं। Thank you.
बच्चे बैठ जाएंगे। कुछ शिक्षक साथियों को दायित्व दिया गया है, मंच पर आकर व्यवस्था देखेंगे। फोटो सर इधर का स्टाफ के लिए। हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष प्रवेश उत्सव बच्चों के लिए होता है। नव प्रवेशित विद्यार्थियों का उसमें स्वागत किया जाता है, साथ ही उन्हें बुक दिया जाता है। प्रवेश उत्सव मनाने का उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा या विद्यार्थी शिक्षा से दूर न रहे, पुस्तक देकर उसके मनोबल को और उनको प्रोत्साहन देकर बढ़ावा दिया जाता है कि हर बच्चा स्कूल आए और शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि शिक्षा ही देश को आगे बढ़ाता है। पुस्तक ऐसा है जो लिखित पन्नों से बनी हुई होती है, जिसे पढ़कर हम ऊंचाई सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊंचाइयों पर जाते हैं। विद्या ग्रहण करके हम देश को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो विद्या बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है, अंधकार से हमें ज्ञान की ओर जाना है। बालह देव भव, हमारे छात्र छात्रा देव स्वरूप हैं, देव के प्रतिमा हैं, और ये शिक्षा के रूप में शिक्षा का अलख इन्हीं से जगना है। विकासखंड स्तरीय इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी अतिथियों का करबद्ध प्रार्थना करते हुए इनका आभार, इनका बहुमूल्य समय को इस क्षण में लगा रहे हैं। तो हमारे विकासखंड के इस गौरवमयी पद को बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बच्चों को आगे अपने जीवन में ऊंचाई में बढ़ने के लिए अग्रसर करने हेतु प्रेरित करने का यह पद है। हमारे समस्त अतिथियों का, हमारे विकासखंड परिवार की ओर से, हमारे विद्यालय परिवार की ओर से और समस्त स्टाफ की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन है। मैं इस प्रवेश उत्सव में आए हुए अतिथि महोदयों का स्वागत हेतु माननीय महोदय श्रीमती रामोली भगत जी का डीओ साहब द्वारा पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे।
निवेदन करूंगा जो साहब हमारी विधायक महोदया का कुछ कुछ से स्वागत करेंगे।